आज हम आपके बीच एक बार फिर से एक नए सेट ऑफ बॉक्स को लेकर आए हैं जो कि आपका रहने वाला है सोल्ड ब्रांड का। काफी लोगों की मांग रहती है कि हमें सोल्ड का ही जो है प्रोडक्ट चाहिए, सोल्ड के ही फ्री टू वेयर सेट ऑफ बॉक्स चाहिए अपने डीडी फ्रिडिश के लिए या फिर सीयू बैंड के इवेंट सेटअप के लिए। और दोस्तों यहाँ पर जो हम आपके बीच बॉक्स लेकर आए हैं उसका मॉडल रहेगा सोल्ड का HD S2 यहाँ पर 2100 DLX। जी हाँ, 2100 जो है DLX मॉडल हम आपके बीच लेकर आए हैं। इस मॉडल की खासियत यही रहती है कि इस बॉक्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी मिलती है हमें, और साथ ही में जो है इसमें जो है आप करीबन 4000 टीवी चैनल्स इजीली स्टोर कर सकते हैं और 2000 ट्रांसपोंडर्स को इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। और वही नहीं, यहाँ पर जो है डीडी फ्रिडिश के तमाम चैनल्स, चाहे MPG2 के हों चाहे MPG4 के हों, वह सभी के सभी इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। ये सेट ऑफ बॉक्स HD आता है तो बेनरी हाई डेफिनेशन चैनल्स भी इजीली इसमें देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर एक और फीचर जो है वो हमारे बीच देखने को मिलता है जिसका नाम रहता है ट्यूब्योर। यहाँ पर जो है इसकी मदद से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपने स्मार्टफोन का जो भी डाटा है वो बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब इसका यूसेज किस तरह से होगा, यानी कि इसमें जो है हम उसका अनबॉक्सिंग भी करके आपको दिखाने वाले हैं और इसका हम आपको दिखाएंगे इसका डेमो क्या कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और इसका यूजर इंटरफेस किस तरह का मिलता है। और बाकी बात आती है इसको खरीदने की, तो इसको खरीदना बहुत ही हो गया आपके लिए आसान क्योंकि हम जो है आपको बहुत ही अच्छे खासे प्राइस में दोस्तों ये बॉक्स आपको दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसे तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये बॉक्स जो है वो आपका एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्तों के भीतर ही आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। 100 रुपीज जो है दोस्तों आपके ऑफ हो जाएंगे जैसे आप हमारे वेबसाइट में जाकर कूपन कोड अप्लाई करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया आपको पहुंचाने की गारंटी है, यानी कि आप कहीं पर भी रहते हैं आपको हर जगह पर जो है ये आपके एरिया में अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो देरी किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक आपको दे रखा है, वहां पर जाकर तुरंत इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक आपको मिलती है यहाँ पर HDMI केबल जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। एक आपको यहाँ पर जो है हाई क्वालिटी का अडाप्टर मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी काफ़ी आपको शानदार मिलने वाली है। कुछ इस तरह से दोस्तों आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, इसके जो भी फंक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। और आखिर में आता है आपका मेन यूनिट जो कि है सोल्ड का HD S2 2100 DLX मॉडल का बॉक्स। ऊपर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी का बॉक्स आपको दिया गया है। आगे की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक डेडिकेटेड USB का पोर्ट मिल जाएगा। सामने की ओर को पावर का जो है बटन दिया गया है डेडिकेटेड, और साथ ही में जो है आपको चैनल को प्लस माइनस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको बॉक्स की, इधर आपको जो है इंडिकेशन जो है वो मिल जाएगी। इस साइड की बात करें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस साइड की बात करें तो इधर भी कुछ नहीं है। उसी तरह बैक प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको LNB in, एक USB पोर्ट एक और यहाँ पे मिल जाएगा, HDMI का पोर्ट दिया गया है, ऑडियो वीडियो के कंट्रोल्स और को XL का ऑप्शन दिया गया है, और साथ ही में आपको DC अडाप्टर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जैसे ही आप अपने बॉक्स को ऑन करेंगे कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा सोल्ड HD S2 2100 DLX। यूजर इंटरफेस में सबसे पहले बात आती है EPG बैनर की, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का EPG बैनर आपके लिए दिया गया है। चैनल लिस्ट की बात करें तो चैनल लिस्ट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आपको टाइप, फाइंड, सॉर्ट, सैटेलाइट, कंफर्म और AZ का ऑप्शन जो है वो दिया गया है, और कौन सा फ्रिक्वेंसी पर चैनल आपका उपलब्ध है वो जानकारी आपको यहीं पर मिल जाती है। ठीक है, अब करेंगे हम बात मेन्यू ऑप्शंस की। तो मेन्यू ऑप्शंस में आपको जो ऑप्शंस मिल जाएंगे वो है इंस्टॉलेशन, IPTV एक्सट्रीम, स्टार्कर, DLNA, यूट्यूब चैनल लिस्ट, मीडिया सेंटर, ऑनलाइन एप्स, सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन में आपके जो भी सेटेलाइट्स उपलब्ध हैं जो कि डिफॉल्ट इसमें अवेलेबल हैं उससे भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर किसी नए सेटेलाइट को ऐड करना चाहते हैं तो रिमोट से रेड बटन आप प्रेस करेंगे, सेटेलाइट का नाम देंगे, लॉन्गिट्यूड देंगे कितने डिग्री पर है, और येलो बटन प्रेस करेंगे तो वो नया सेटेलाइट आपके इसमें ऐड हो जाएगा। अब बात करेंगे किस सेटेलाइट को आप एडिट करना चाहते हैं, तो ग्रीन बटन प्रेस करेंगे तो उस सेटेलाइट का नाम या उसका लॉन्गिट्यूड आप चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे किस सेटेलाइट को डिलीट करना चाहते हैं, तो रिमोट से येलो बटन प्रेस करेंगे और एक बार फिर से येलो बटन पर प्रेस करेंगे तो उस सेटेलाइट का भी क्रॉस बना जाएगा और सिंपली आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते, हम आपको समझा रहे थे। इसके अलावा आपको स्कैन का ऑप्शन मिलता है, रिमोट से ब्लू बटन प्रेस करेंगे तो सिंपली जो है आप उस सेटेलाइट को स्कैन कर सकेंगे जिसके आप चैनल्स प्राप्त करना चाहते हैं।
इसके अलावा आप सेटेलाइट की टीपी सेट करना चाहते हैं तो आपको रिमोट पे जो सेट बटन आपको दिया गया है उसे आपको प्रेस करना होगा, और जैसे आप उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है तमाम फ्रिक्वेंसीज आपके सामने दिखाई देंगी। इन फ्रिक्वेंसीज पर भी अगर आप किसी नई फ्रिक्वेंसी को ऐड करना चाहते हैं तो रिमोट से एक बार फिर से आपको रेड बटन प्रेस करना है और नई फ्रिक्वेंसी को आप यहाँ पर ऐड करके उसके सिग्नल्स को लेकर आ सकते हैं। अब हम बैक करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद हमारी हो गई है। IPTV एक्सट्रीम स्टालकर DLNA जो भी आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूब हो गया या फिर आपका ऑनलाइन ऐप्स हो गया, ये सभी के सभी जो है ये वाईफाई से चलेंगे, तो आपके पास जो है वाईफाई डोंगल होना चाहिए और उसके बाद ही जो है आप इंटरनेट कनेक्ट करके इन सभी ऐप्स को चला सकते हैं। इंटरनेट का मोबाइल का हॉटस्पॉट या फिर घर का वाईफाई कोई भी हो सकता है। चैनल लिस्ट में आते हैं, चैनल लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर टीवी चैनल लिस्ट, रेडियो चैनल लिस्ट, टाइमर सेटिंग, डिलीट ऑल और फेवरेट का ऑप्शन मिलता है। फेवरेट में आप आएंगे तो यहाँ पर आप कैटेगरी के अनुसार अपने चैनल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। टीवी चैनल लिस्ट में आप आएंगे तो यहाँ से जो है आप सिंपली पूरी चैनल लिस्ट आप चेक कर सकते हो। किसी चैनल का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, किसी चैनल को आप लॉक करना चाहते हैं या फिर किसी चैनल को आप जो है फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अनुसार यहाँ पर आप चैनल का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो चैनल लिस्ट में भी जितने भी रेडियो चैनल्स उपलब्ध हैं वो आ जाएंगे। टाइमर सेटिंग में यहाँ पर आप टाइमिंग सेटिंग कर सकते हो, डिलीट ऑल करोगे तो जितने भी चैनल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें मीडिया सेंटर की तो उसमें आपको USB लगाना होगा जिससे आप जो है पेनड्राइव में जो भी मूवी या सॉन्ग्स डालेंगे या फिर फोटोज डालेंगे उसे आप प्ले कर सकते हो। ऑनलाइन ऐप्स के लिए भी आपको वाईफाई चाहिए। सिस्टम में आओगे तो नेटवर्क कन्फिग यानी कि आप वाईफाई 3G या LAN से भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन पर आओगे तो हार्डवेयर मॉडल जो है, हार्डवेयर वर्जन जो है वो सॉफ्टवेयर का आपको दिखाई देगा। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश जो है वो डिफॉल्ट लैंग्वेज मिलती है। इसके अलावा सभी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है तो वो आप मत कीजिएगा। लोकल टाइम सेटिंग आपको मिल जाएगी, फैक्ट्री सेटिंग का आपको ऑप्शन दिया गया है। डिस्प्ले सेटिंग्स में आप बात करेंगे तो ऑडियो वीडियो सेटिंग आप कर सकते हो। फुल आपको HD का बॉक्स यहाँ पर दिया गया है और साथ ही में OHD सेटिंग भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, USB बैकअप, USB अपडेट, ऑनलाइन अपडेट के जरिए। इन फ्यूचर में अगर कभी सॉफ्टवेयर जो अपडेट करने की जरूरत पड़ती है तो कर सकते हैं। और पैरेंटल कंट्रोल में भी आप जो है डिफॉल्ट 4x0 पासवर्ड लगाकर किसी चैनल को लॉक करना चाहते हो या मेन्यू लॉक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और इसी तरीके से आप न्यू पासवर्ड भी यहीं से ही बना सकते हो। हमने जो है अपने वाईफाई डोंगल को यहाँ पर लगा लिया है। अब सिंपली हम जाएंगे अपने सिस्टम सेटिंग्स में और यहाँ पर नेटवर्क कन्फिग में आएंगे और वाईफाई पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे अपने वाईफाई नेटवर्क को और यहाँ पर हमारा वाईफाई नेटवर्क आ चुका है। अब उस पर हम जाएंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो भी हमारा वाईफाई का पासवर्ड है, उसके बाद हम कनेक्ट कर लेंगे। वाईफाई कनेक्ट होते ही ऊपर की ओर आपको वाईफाई का सिंबल देखने को मिल जाएगा और साथ ही में नेटवर्क का नाम आ जाएगा। IPTV पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एम्फायर और एक्सट्रीम और कस्टम और स्टॉकर के नाम से आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ये सभी के सभी दोस्तों नॉन वर्किंग है, यानी कि आपको यहाँ पर चलाने के लिए एक्टिवेशन करानी होगी। और एक्सट्रीम की बात करें तो यहाँ पर भी इसका URL है जो कि डालना होगा। और कस्टम के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कस्टम जो है वो डालना होगा, चैनल का लिंक, लाइव टीवी, IPTV देखने के लिए। और सिंपली इसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्टर की तो इसके लिए भी आपको एक्टिवेशन का URL और पासवर्ड चाहिए होगा। तो दोस्तों अगर आपको एक्टिवेशन के बारे में मालूम है कि कैसे होती है तो आप कर सकते हो, अन्यथा दोस्तों किसी भी काम के ऑप्शंस नहीं मिलते। एक्सट्रीम की बात करेंगे तो दोस्तों ये भी डेडिकेटेड ऑप्शंस आपको बाहर ही मिल जाएंगे जो कि आपको मैंने अंदर ऑप्शंस दिखाए हैं। इसके बाद बारी आती है DLNA ऑप्शन की। तो इसमें जो है आपके लिए एक फायदा दिया गया है कि आप जो है अपने मोबाइल का कंटेंट बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसके लिए आपके पास ट्यूबियो के टीवी के नाम से या टीवी असिस्ट के नाम से वीडियो कास्ट 8 प्लेयर लाइट प्लेयर एक्सट्रीम के नाम से एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब आप अपने स्मार्टफोन को बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हो। वही अगर हम बात करते हैं यूट्यूब की तो यहाँ पर आपको यूट्यूब दिया गया है। इसमें आपको मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी, सर्च कंट्री और रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप रेजोल्यूशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप किसी कंटेंट को सर्च करना चाहते हो तो सिंपली सर्च बार पर क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हो। नीचे आपको USB अपडेट, ऑनलाइन अपडेट, इन्फॉर्मेशन, मूव, प्ले और रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है। तो जिस भी कंटेंट के ऊपर आप ओके प्रेस करोगे वो कंटेंट आपके लिए शुरू हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए जो है लोडिंग दिखाई देगा और उसके बाद आपके लिए कंटेंट शुरू हो जाता है। बाकी कई बार जो है आपका यूट्यूब यहाँ पर लैग भी करता है। तो यूट्यूब के फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ मजा यहाँ पर आपको नहीं आने वाला। थोड़ा बहुत जो है आपको यहाँ पर यूट्यूब में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी बात करें हमें ऑनलाइन ऐप्स की तो उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ पर IPTV, VOD, DLNA और आपको ऐसा टिप का ऑप्शन दिया गया है।
जिसको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से आप रीड आउट कर सकते हो कि इस फंक्शन का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। वीडियो में भी आप आएंगे तो मूवी, सीरीज, एंटरटेनमेंट, रेडियो के ऑप्शंस आपको कहीं मिलेंगे यहाँ पर, और इसके लिए भी आपको एक्टिवेशन की चाहिए होगी इन कंटेंट को देखने के लिए। तो इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और कौन कौन इस बॉक्स को खरीदने में इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, वो भी नीचे हमें बता सकते हैं। अगर आपने मन बना ही लिया है तो देरी किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत जाइए और वहां पर क्लिक करके आप जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं।